आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में फाइल एक्सप्लोरर के जरिए किस तरह कंपोनेंट सर्विसेज ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है टाइप हियर टू सर्च में टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर आपको टाइप करना है, फिर यहाँ आपको दिखाई देगा फाइल एक्सप्लोरर, आपको इसे ओपन करना है। मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर ये जो आपको ये लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, ये फाइल एक्सप्लोरर का एड्रेस बार है। यहाँ पर आपको टाइप करना है dcomcnfg, गलत टाइप हो गया, dcomcnfg, और फिर इंटर का बटन दबा देना है। आप देख सकते हैं कंपोनेंट सर्विसेज ओपन हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि किस तरह आप फाइल एक्सप्लोरर एड्रेस बार के जरिए किस तरह कंपोनेंट सर्विसेज ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, फिर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है एड्रेस बार, तो मैं इस पर आकर के क्लिक करूंगा। और अब आप यहाँ पर आपको जो है टाइप करना है dcomcnfg और इंटर का बटन दबा देना है इस तरह।